स्टूडेंट्स, मैं निसली एंड यू आर वाचिंग मिरेकल उनी क्लासेस, जहां आप सीखते हो इंग्लिश हिंदी के थ्रू और वो भी बिल्कुल डिफरेंट वे से। आज की वीडियो आपको इंग्लिश पे आधारित नहीं मिलने वाली है, आज की वीडियो आपको हिंदी पे आधारित है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने चैनल पर आपके लिए व्याकरण के भी कुछ वीडियोस दे दिया करूंगा, वो व्याकरण के पॉइंट्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। वैसे व्याकरण तो एक बहुत ही बड़ा सागर है, यू मानो तो प्रशांत महासागर है। ग्रामर भी है ना, यानी किसी भी भाषा की जो व्याकरण है, किसी भी भाषा की जो ग्रामर है ना, वो तो भाई प्रशांत महासागर जैसा ही होता है, बहुत गहरा होता है, जिसकी गहराई का पता नहीं लगाया जा सकता, चाह के भी आप परिपूर्ण नहीं हो पाओगे, ये आप सभी जानते हो। आज की वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे भेदों की बात करूंगा, यानी 12 ऐसे भेद बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एक पिछली वीडियो जो मैंने दी थी आपको, उसमें मैंने आपको बताया था 13 पॉइंट्स, और आज लेकर के आया हूं 12 पॉइंट्स, यानी ये 12 और 13 मिलकर के हो जाते हैं 25। अगर आप इन 25 पार्ट्स को याद कर लोगे ना, तो किसी भी एग्जामिनेशन में अगर भेद पे, अगर टाइप्स पे, अगर प्रकारों पे अगर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पूरी किताब छान मारी तब जाकर के मुझे 25 प्रश्न मिले जो भेदों पे आधारित है, जो प्रकारों पे आधारित है। तो सोचा क्यों ना आपके एग्जामिनेशन को और भी इजी बना दिया जाए और आपको ये सारी चीजें बता दी जाए। वैसे हिंदी पे आप लोग ध्यान तो नहीं देते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जरूरी किस लिए है? अगर अच्छे मार्क्स आप प्राप्त करना चाहते हो तो आपको ये सभी के सभी सब्जेक्ट जरूरी हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स और साइंस पे विशेष ध्यान देते हैं, बहुत ही ज्यादा अटेंशन देते हैं, केयरिंग करते हैं, बाकी के जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उस पे हमारी केयरिंग, उस पे हमारा अटेंशन बहुत ही कम जाता है। और परिणाम क्या मिलता है कि हमारे मैथ्स के मार्क्स तो बहुत अच्छे आ जाते हैं, साइंस के मार्क्स भी हमारे बहुत अच्छे आ जाते हैं, लेकिन हिंदी में कटौती हो जाती है, संस्कृत या उर्दू में कम मार्क्स आ जाते हैं, जिनके कारण आप टॉप नहीं कर पाते हो, जिनके कारण आप अच्छे से अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हो। आप 320, 330 या 350 तक या 360-370 तक ला करके आप रुक जाते हो, या ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करते हो तो 400 तक लाते हो, लेकिन 400 पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप हिंदी को अच्छे से पढ़ करके चलोगे, हिंदी व्याकरण को, हिंदी के बुक को, यहां तक कि संस्कृत, अगर आप हिंदू रिलीजन से हो तो संस्कृत, मुस्लिम रिलीजन से हो तो उर्दू, अगर इन दोनों को अगर आप शामिल कर लेते हो ना, और जिस तरीके से आप मैथमेटिक्स पे और साइंस पे जितना कंसेंट्रेशन देते हो, अगर उतना इन पे भी दे दिया जाए, इन दोनों पे, तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मान लो कि आपने मैथ में 95 प्राप्त कर लिया है, साइंस में भी 95-98 कर लिया है, लेकिन हिंदी में आपके 50-55 आ जाए, संस्कृत में हो सकता है 50-60 ही आ जाए, तो कितने कटौती हो रही है, 40 मार्क्स इधर और लगभग 40-45 उधर। आप सोचो कि अगर आपके 80 मार्क्स कम हो जाते हैं इस तरीके से, तो 500 नंबर का ही पेपर होता है आपका मैट्रिक, या फिर इंटर भी हो 500 मार्क्स का ही होता है। अब 500 मार्क्स में से मान लो कि 80-90 हटा लो, और उसके बाद में आपने जितना लिखा है उसमें से भी कुछ कटौती होती है, उसमें से भी कुछ करेक्शन करके कुछ नंबर काट लिए जाते हैं, इसीलिए आप लोगों के मार्क्स कम आते हैं। सो मेरा सजेशन होगा आप लोगों से कि अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो हर सब्जेक्ट आपके लिए इक्वल है, आपके लिए बराबर है, तो हिंदी को भी आप इम्पोर्टेंस दो, हमारी मातृभाषा है, बहुत जरूरी चीज है ना। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इस पे फुल अटेंशन दे दो, नहीं, आपको जितना चाहिए उतना आपको देना चाहिए, और आपका एग्जाम भी बहुत नजदीक आ चुका है। सो मेरी जितनी भी वीडियोस आपको आने वाली है वो सब आपके एग्जाम पे आधारित आने वाली है। सो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप मेरे इस चैनल मिरेकल उनी क्लासेस पे कंटिन्यू रहें, तो आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर तरीके से देने की। तो देखते हैं आज का ये वीडियो, आज की लेसन। ये बातें बताना मैं बहुत जरूरी समझा था ताकि आप इन बातों को समझ करके हो सकता है अच्छे मार्क्स ला पाएं और आप मुझे याद कर सकें कि हाँ, एमएस अली सर बिल्कुल सही बताए थे, अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो हर सब्जेक्ट हमारे लिए उतना ही समान है जितना कि मैथ है, साइंस है। देखते हैं कुछ। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो है सार्थक शब्दों के भेद। सार्थक शब्दों के कितने भेद हैं? अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सार्थक शब्दों के कितने भेद हैं, तो क्या बताओगे? आपको 5 बताना होगा। यहां पे लिखा हुआ है 5 भेद होते हैं, और उन 5 भेदों के अंदर भी कुछ भेद हैं, कुछ प्रकार हैं, जैसे कि रचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे, प्रयोग या विकार के आधार पे, इस प्रकार से अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ भी आपको पूछा जा सकता है।
तो अगर रचना के आधार पर शब्दों के भेद पूछे जाएं तो आपको तीन बताने हैं, जैसा कि यहाँ पे तीन लिखा हुआ है। ओके, उत्पत्ति के आधार पर अगर आपको शब्दों के भेद पूछे जाएं तो आप चार बताओगे। वैसे ही अगर आपको प्रयोग या विकार के आधार पर बताना हो तो आप दो बताओगे। फिर से ये मैं छोड़ रहा था, अर्थ के आधार पर अगर आपको पूछना हो यानी आपसे पूछा जाए तो भी आप चार बताओगे। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, हो सकता है थोड़ी सी आप कंफ्यूज हो गए हो। सार्थक शब्दों के भेद पांच होते हैं, रचना के आधार पर शब्दों के भेद तीन होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद चार होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद चार होते हैं, प्रयोग या विकार के आधार पर शब्दों के अर्थ दो होते हैं। अब ये जो पांच मैंने पॉइंट लिखा है आपके लिए, इसमें से दो कंफ्यूज कर सकता है आपको, क्योंकि दोनों में चार चार हैं, इसमें भी चार इसमें भी चार। उत्पत्ति के आधार पर पूछे तो भी चार, और अर्थ या विकार के आधार पर पूछे यानी अर्थ के आधार पर पूछे तो भी चार। हो सकता है कंफ्यूज आप हो सको। नेक्स्ट देखते हैं, पदबंध के कितने भेद होते हैं। पदबंध आपके पीडीएफ में ये क्वेश्चन आया हुआ भी था कि पदबंध के कितने भेद होते हैं, बहुत जरूरी है। पदबंध के कुल पांच भेद होते हैं। ओके, उसके बाद कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। वैसे क्रिया के नॉर्मली अगर भेद पूछे जाएं तो दो होते हैं, उन्हीं को अगर गहराई में आप जाओगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपको लगेगा अरे हम तो बस इतना पढ़े थे कि क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, तो फिर ये कर्म के आधार पर क्या हो गया, बात वही ना है। सकर्मक जिसमें कर्म हो और अकर्मक जिसमें कर्म ना हो। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक अकर्मक, तो सकर्मक के अंदर भी भेद हैं। सकर्मक के अंदर भी कुछ हमारे टाइप्स हैं जो कि तीन हैं। अपूर्ण क्रिया के भेद, जो पूर्ण क्रिया अपूर्ण क्रिया जो होती है, तो अपूर्ण क्रिया के अंदर दो भेद हैं यानी दो टाइप्स हैं। वर्तमान काल के भेद, जैसा कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया था काल के तीन भेद होते हैं, तो इसमें मैंने लिखना जरूरी नहीं समझा क्योंकि एक बार तो बता चुका हूं ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें 13 आपको ऐसे ही फैक्ट बताए गए हैं, ऐसे ही टाइप्स वाले क्वेश्चन बताए गए हैं। इन दोनों को अगर आप देख लेते हो ना, इन दोनों को कलेक्ट कर लेते हो, इन दोनों को अगर ऐड कर लेते हो और पूरे अच्छे से याद कर लेते हो, तो आप अनडाउटली एग्जाम में बैठ जाना कि अगर भेद से क्वेश्चन आएंगे तो निश्चित आप कर पाओगे, क्योंकि 25 प्रश्न कम नहीं होते हैं भेदों पे, और मैंने एक एक पॉइंट कर करके चुन चुन कर किताबों से निकाला हुआ है। तो वर्तमान काल के जो होते हैं भेद तीन होते हैं। देखो भाई, अंग्रेजी का जो व्याकरण है हमारा और हिंदी का जो व्याकरण है, दोनों में कई बार डिफेक्ट हो जाते हैं, दोनों में कई बार डिफरेंसेस हो जाते हैं। आप इंग्लिश पढ़ रहे होते हो तो वर्तमान काल के कितने भेद पढ़ते हो, चार पढ़ते हो, भूतकाल के भी चार पढ़ते हो, भविष्य काल के भी चार पढ़ते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। वर्तमान काल के इसमें तीन हैं, भूतकाल के छह हैं और भविष्य काल के दो भेद हैं। तो ये हो गए हमारे कुल मिलाकर 12, और पहली वाली जो वीडियो थी इसकी उसमें मैंने आपको बता दिए थे 13, मिलकर के हो गए 25। इन 25ों को आप याद कर लो और एग्जाम के बाद आप मुझे कमेंट करके बताना कि वाकई में आप 4-5 मार्क्स कर पाए थे या नहीं। अगर पूछेगा ना तो 4-5 मार्क्स आपके जरूर हो जाएंगे। हो सकता है कि 4-5 ना पूछे, 2 या 3 ही पूछे, कोई दिक्कत नहीं। 25 प्रश्न में अगर 2-3 मार्क्स भी बन जाते हो तो आप कम मत समझना, क्योंकि पता है ना लोग एक एक महीना पढ़ करके 10 मार्क्स 15 मार्क्स की तैयारी कर पाते हैं। साल भर पढ़ करके हम लोग किसी सब्जेक्ट पे 100 मार्क्स की तैयारी कर पाते हैं, फिर भी कंफर्म नहीं रहते कि वो 100 मार्क्स में हम 90 कर पाएंगे कि नहीं, 95 कर पाएंगे कि नहीं, है ना। अगर 90-95 कर भी लिए तो रिजल्ट के बाद उतने मिलेंगे कि नहीं, हो सकता है 80 ही दे, 75 ही दे, 70 तक ही दे, कौन जाने। इसलिए आपको मेरी पहली वाली बात याद रखनी होगी जो शुरू में मैंने आपको बताया था, अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको हर सब्जेक्ट को समान महत्व देना होगा, इक्वल राइट देना होगा, इक्वल कंसेंट्रेशन के साथ पढ़ना होगा, अच्छे मार्क्स जरूर लाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।